नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जाकर के नारा दिया था खेला होबे, और खेला खुद हो गया बीजेपी शासित उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इस्तीफा दे दिया है। वहां पर सियासी हलचले जो है इस वक्त पूरे उफान पर है। लेकिन आपको बताएंगे कि इस खेलाबे के पीछे जो है वो तस्वीर क्या है, किस तरह से जो है वो उत्तराखंड के अंदर इस वक्त में सियासी भूचाल जो है वो खड़ा हुआ है, और आखिरकार ये सियासी भूचाल किस ओर मुड़ेगा, इसका अंजाम क्या होगा। जो सियासी भूचाल शुरू हुआ है ये किस अंजाम तक पहुंचेगा, ये आपको जो है वो समझना जरूरी है। और पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है वो भी आपको समझाएंगे। दरअसल जो है वो त्रिवेंद्र रावत दो दिन से दिल्ली के अंदर है, और उन्होंने जेपी नड्डा से और उसके बाद में अमित शाह से मुलाकात की, और आज उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह खेला शुरू कैसे हुआ। आपको शनिवार को चलना होगा। शनिवार, बीते शनिवार जो है वो दिल्ली से दो राष्ट्रीय प्रवेशक जो है डॉक्टर रमन सिंह और दुष्यंत गौतम वहां पर भेजे जाते हैं उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड के अंदर कहा यह जाता है कि चार साल पूरे होने पर सरकार की जश्न की तैयारी के लिए ये प्रवेशक भेजे गए हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या कोई चार साल के जश्न इस तरह से बनाता है कि अपने मुख्यमंत्री को ही जो है वो बदल दे। यहां पर जो है वो खेला इस तरह से हुआ कि ये प्रवेशक भेजे जाते हैं उत्तराखंड, और ये देहरादून पहुंच करके उस वक्त में, जिस वक्त में देहरादून पहुंचे, विधानसभा का सत्र चल रहा था, और विधानसभा के सत्र में से सभी मंत्रियों और विधायकों को देहरादून में इकट्ठा किया जाता है। देहरादून में इकट्ठा करके फिर वहां पर बातचीत होती है, और उसके बाद में ये राष्ट्रीय प्रवेशक कहते हैं कि चार साल के जश्न के लिए हम यहां पर पहुंचे। लेकिन खेल जो है वो अंदर ही अंदर चल रहा था, और आज त्रिवेंद्र रावत ने इस्तीफा दे दिया। वजह ये केवल बताई जा रही है कि वहां पर त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ जो है ज्यादातर विधायक हैं, उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है, जिसमें बीजेपी के बड़ी संख्या में विधायक है। आपको बता दें कि 75 सीट वाली इस राज्य की विधानसभा के अंदर 57 सीट जीती थी बीजेपी ने, बड़े बहुमत के साथ में, प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी जीत करके आई थी। और नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में जाकर के नारा दिया था डबल इंजन की सरकार। लेकिन डबल इंजन की सरकार को ड्राइवर को क्यों बदलना पड़ा, यह आपको समझना जरूरी है। इसमें जो है वो पर्दे के पीछे खेल ये हो रहा है कि 17 विधायक पूरी तरह से बागी हो चुके हैं, और 17 विधायक में से 9 विधायक जो है वो कांग्रेस के विधायक हैं। पूर्व कांग्रेस के विधायक थे जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हो गए थे, और अब वो घर वापसी की तैयारी में है। तो खेल जो है वो ये चल रहा है कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनके संपर्क में बीजेपी के कई सारे विधायक हैं, और 18 विधायक जो है विपक्ष के हैं। तो इस तरह से स्थिति जो है वो करीब करीब जो है 35 विधायकों का आंकड़ा जो है वो बन रहा है, और 38 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब बीजेपी कह रही है कि वहां पर धन सिंह रावत और उसके साथ में पुष्कर सिंह धामी, उनको डिप्टी सीएम, धन सिंह रावत को जो है सीएम बनाया जा रहा है। लेकिन ये शपथ तो जरूर हो जाएगी, लेकिन ये मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव का नोटिस जो है वो कांग्रेस की तरफ से लाया जाएगा, इनको जो है विश्वास प्रस्ताव जो है वहां पर पास करवाना होगा। तो ऐसे में जो है जो बागी हो गए हैं विधायक, उनको बीजेपी कैसे मनाएगी, बड़ा सवाल ये है। और दूसरा, आपको यह भी समझना चाहिए कि ये जो खेल हो रहा है, इस खेल के पीछे जो है लगातार जितने भी सर्वे आए, एक एबीपी न्यूज का सर्वे हम आपको दिखा देते हैं। इस सर्वे में आप देख लीजिए, देश भर में सबसे खराब मुख्यमंत्री की अगर किसी की छवि थी तो उसमें जो है वो त्रिवेंद्र रावत का नाम शामिल था, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम शामिल था। यह भी जो है एक बड़ी वजह बताई जा रही है त्रिवेंद्र रावत को बदलने के लिए। लेकिन एक और वजह आपको बताते हैं कि बीजेपी जिस तरह से अब त्रिवेंद्र रावत को बदलने के बाद में जो है वो धन सिंह रावत को वहां पर मुख्यमंत्री बना रही है, तो बीजेपी सोच रही है कि हम चुनाव से पहले त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ जो एंटी इनकमेंसी बनी हुई थी उसको ध्वस्त करके अपनी सरकार फिर से बनवा लेंगे। तो इसमें जो है वो आपको रोचक जानकारी देते हैं। रोचक जानकारी ये है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उत्तराखंड के अंदर जिसने भी अपना सिटिंग मुख्यमंत्री बदल करके दूसरा मुख्यमंत्री वहां पर बनाया, वो सरकार में दोबारा नहीं आ पाई। चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने उस पार्टी को हरा दिया। इसमें जो है वो कांग्रेस भी है और इसमें बीजेपी भी है। बीजेपी ऐसा पहले भी कई बार कर चुकी है, केवल एक एक बार जो है कांग्रेस और बीजेपी का मुख्यमंत्री जो है वो वहां पर 5 साल अपना पूरा किया है।
नहीं तो वहां पर 5 साल कोई भी मुख्यमंत्री कर नहीं पाया है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां हैं। आपको बता देते हैं कि इससे पहले जो है बीजेपी के नित्यानंद स्वामी को हटा करके भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बीजेपी हार गई। और इसी तरह से कांग्रेस ने भी किया था, विजय बहुगुणा को हटा करके हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हरीश रावत अपनी दोनों सीट हार गए थे। और अब जो है बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने जिस तरह से वहां पर खेल को संभालने की कोशिश की है, यह कितने घंटों तक जो है खेल संभला रहेगा। दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर यह है कि वहां पर यह भले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले धन सिंह रावत, लेकिन विश्वास प्रस्ताव में जो बागी हो चुके हैं विधायक, क्या वो बीजेपी के साथ रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा, अगर वो बीजेपी के साथ रह भी जाते हैं तो उत्तराखंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि वहां पर जो भी पार्टी मुख्यमंत्री का पद का अपना उम्मीदवार बदलती है वो सत्ता में दोबारा लौट नहीं पाती है। ये राज्य का अपना टेस्ट है, ये वहां की जनता का जो है वो अपना टेस्ट है। इसी तरह का टेस्ट जो है वो हम आपको दिखाते हैं जहां पर राजस्थान के अंदर, उत्तर भारत का ही एक राज्य है राजस्थान, जहां पर उत्तर भारत का ही राज्य है उत्तराखंड, राजस्थान में भी इसी तरह से होता है। एक बार इसकी सरकार और एक बार उसकी सरकार, एक बार गहलोत और एक बार वसुंधरा, इसी तरह से राजस्थान के लोगों की जो है वो विचारधारा है, उनका अपना टेस्ट है, वो सरकार को हर 5 साल में बदल देते हैं। तो ये उदाहरण है, ये खेल है और ये रोचक पॉइंट है। अगर आप इन डॉट डॉट को मिलाकर के देखेंगे तो आपको तस्वीर समझ में आएगी, जो पर्दे के पीछे कहानी चल रही है वो कहानी आपको समझ में आएगी। भले ही जो है वो मीडिया में इसको लेकर के बड़ी बातें नहीं हो रही हों, लेकिन खेल यही है कि वहां पर 17 विधायक जो है पूरी तरह से बागी हो चुके हैं और उसमें 9 कांग्रेस के विधायक हैं जो घर वापसी चाहते हैं और उनके साथ में बीजेपी के भी विधायक हैं। तो ऐसे में ये कितने दिन के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल। और उसके बाद में अगले साल ही जनता क्या चुनाव में इस बात को याद रखेगी कि 4 साल तक जिस व्यक्ति को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना करके रखा, डबल इंजन की सरकार का ड्राइवर बना करके रखा, उसमें ऐसी क्या खामी थी कि 4 साल तक जो है उसको उत्तराखंड का नेतृत्व करने दिया और फिर उसको हटा दिया गया। ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। और इसी तरह से उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की जो पब्लिक है वो उत्तराखंड की सरकार से सवाल पूछती रही है और उसको जवाब देती रही है। उत्तराखंड के इस समीकरण को लेकर के, जिस तरह से उत्तराखंड में समीकरण बन रहा है, सियासी उठापटक हो रही है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या आपको लग रहा है कि उत्तराखंड में सब कुछ चंगा सी, या आपको लग रहा है कि पर्दे के पीछे सब कुछ नंगा हो गया है? आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।